हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग हमारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट नंबर तीसरा टोपोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। पहला जो दिन था हमारा, अर्थात कल का जो क्लास था, उसमें हमने टोपोलॉजी पर इंट्रोडक्शन दिया था और टोपोलॉजी को गहराई से समझने का प्रयास किया गया था। अब इसके आगे टोपोलॉजी का और प्रकारों के साथ साथ उसके विभिन्न प्रकार के और गुणों को समझेंगे और साथ में इनके प्रॉपर्टीज को भी हम करने वाले हैं। तो सभी जो है ध्यान से क्लास को जो है देखिएगा, समझिएगा और जहां जहां समस्या होगा वहां पर आप समस्या जो है साझा कीजिएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने जो कहा था वो इस प्रकार था। एक तो हमारा टोपोलॉजी हो चुका था परिभाषा के रूप में, है ना, विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने टोपोलॉजी कवर कर लिया था। टोपोलॉजी के साथ बच्चों ये नंबर पहला, दूसरा फिर एग्जाम्पल, फिर हम लोगों ने टोपोलॉजी के प्रकार में पहला अगर प्रकार देखें, है ना, प्रकार तो नहीं कहना चाहिए बच्चों, क्योंकि प्रकार में आगे चलकर टोपोलॉजी के और प्रकार कहेंगे तो मुख्य उसका जब उसको बांटेंगे अलग तरीके से तो T1 T0 इस प्रकार से आएगा कि क्या आपका T1 स्पेस है, क्या T2 स्पेस है, क्या T3 स्पेस है, किसी हाउस डोर स्पेस कहा जाएगा, किसी को लिंगलोप स्पेस कहा जाएगा, या अलग प्रकार की चीजें आ जाएंगी। तो प्रकार कह देने से अन्याय होगी, तो प्रकार ना कहकर हम क्या बोलेंगे, विशेष स्थिति पर उसका नामकरण कैसा हो जाता है करके। जैसे कि क्या कहा था हम लोगों ने, डिस्क्रीट वाला क्या है आपका, डिस्क्रीट टोपोलॉजी किसे कहते हैं, हम प्रकार बोलेंगे तो भी चलेगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी किसे कहते हैं करके, है ना, ये सारे चीज पढ़ लिया था। आप लोगों ने कंपेरेबल टोपोलॉजी देखा, कंपेरेबल टोपोलॉजी तभी कहा जाएगा जब दो स्थिति निर्मित होंगी, एक क्या होगा स्ट्रांग होगा, एक वीक होगा, या फिर कोई एक वीक किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कह सकते हैं, या तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाए बच्चों, या फिर क्या हो जाए इस प्रकार से हो जाए, मतलब कंपेयर किया जा रहा है कि कौन स्ट्रांग और कौन वीक, इस प्रकार से तो टोपोलॉजी को कंपेयर किया जा रहा है। और इसी को हम लोगों ने जो है परिभाषा के रूप में अलग से लिख भी दिया था कि स्ट्रांग टोपोलॉजी क्या है और वीक टोपोलॉजी क्या है। बुक में ज्यादा सरल दिया था, मैंने थोड़ा सा बोलते बोलते ज्यादा लिख दिया था, फर्क नहीं पड़ता, बुक की परिभाषाओं को भी फॉलो किया जा सकता है यदि वो अच्छा है, समझ आ रहा है। तो प्यारे बच्चों को फाइनाइट टोपोलॉजी बताना है, तो आप सबने पहले क्या बोला, लेट एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा कह देंगे, ये क्या है आपका नॉन एम्प्टी सेट है बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट, ओके। अ टोपोलॉजी, ये आपका पूर्ण विराम डाल दिया, अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स बोलना, टाउ on x is said to be co-finite topology क्या, if every subset in tau has finite complement बस ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बस इतना परिभाषा आपको लिखना था। ये एक तरीका लिखा, क्या समझ आ रहा है आप लोग को, एक टोपोलॉजी टाउ को क्या कहा जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहा जाएगा यदि उसके क्या हो, जितने भी सबसेट्स हैं वो सबसेट्स की क्या होने चाहिए, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बस समझाया, इतना ही हमको कहना था। और बुक की परिभाषा के माध्यम से भी आप जो है लिख सकते थे, है ना, तो आपको जो ठीक लगे सटीक लिखे वो आप सटीकता से परिभाषा को लिखने का प्रयास कर सकते हो, है ना। तो एक परिभाषा और लिखा गया है कि एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहा जाएगा यदि उसके प्रत्येक मेंबर क्या हो, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट रखता हो, जैसा भी आपको ठीक लगे बुक के माध्यम से लिखे तो ठीक, सेंस ज्यादा क्लियर होना चाहिए, इस बात को आपको पकड़ लेना है। क्या आप लोगों ने समझा, हमने परिभाषा जो कहा वो समझ आया बेटा, देखो क्योंकि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, है ना, अभी आपको केवल परिभाषा बोला और परिभाषा के बाद आपको क्या करनी है, समझनी भी है कि इसने क्या कहा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अब छोटा सा अपन क्या कर दिए, एक टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं, पहले तो नॉन एम्प्टी सेट बोलना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सेट है और नॉन एम्प्टी सेट में जैसे कि हमने क्या कह दिया, ये ए बी सी हो गया आपका, ठीक है
है ना, एबीसी है। तो मान लो टाउ के अंदर जो भी आपका सेट जीवन होता, जी टू होता, जी थ्री जैसा भी आपने बना रखा है ना, जी थ्री जी फोर करके, ये आपका जी थ्री है और ये आपका जी फोर है, जो भी सेट्स है, ये सारे के सारे जो उसके कॉम्प्लीमेंट आएंगे वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। और ये क्वेश्चन में अगर देगा तो अच्छी बात है, एक आग ठू पकड़ा देगा, बताइए ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है या नहीं है, तो हम बता पाएंगे। फाइनाइट कहने का मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बनाया है इसी पर, परिभाषा को दिमाग में रखना, ठीक है, परिभाषा को दिमाग में रखना। हम जो है क्वेश्चन या फिर थ्योरम कहिएगा, थ्योरम हम बनाने वाले हैं, अभी यहां पर हम क्यों बता नहीं सकते, देखिए एग्जांपल में हम यहां पर फाइनाइट इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट जो है पकड़ नहीं सकते। एक तो टोपोलॉजी बनता है इनफाइनाइट सेट पर भी, रियल नंबर है बोलेगा रियल नंबर पर भी टोपोलॉजी बनता है, बिल्कुल सोचेंगे तो उसके सब सेटों को किसको फाइनाइट बोले किसको इनफाइनाइट बोले वो समझ नहीं आता। उससे अच्छा है आप क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे कि अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, एक टोपोलॉजी बना और उनके कॉम्प्लीमेंट का क्या आ रहा है, हमेशा फाइनाइट आ रहा है, मतलब वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहलाता है करके, है ना। तो हमने यहां पर एक क्या लिखा है, क्वेश्चन कहेंगे या फिर थ्योरम कहेंगे, उस थ्योरम को हमने लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, प्रूफ, क्या लिखा है, प्रूफ द टोपोलॉजी टाउ इज कॉल्ड अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी इफ इट्स मेंबर टाउ हैज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्वेश्चन के तौर पर बोल दिया, क्या लिखा है, प्रूफ द टोपोलॉजी टाउ इज कॉल्ड अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी इफ मेंबर, है ना, मेंबर ऑफ टाउ हैज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, प्रश्न के रूप में इसको लिख दिया, मेंबर ऑफ टाउ हैज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। तो ये अपने आप में परिभाषा है कि नहीं, किसका, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का। शुरू में हमने बोला था आपको समझाने के लिए, मैंने कहा था एक नहीं कई तरीके से लिख सकते हो, एक टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं यदि उनके मेंबर क्या हो, उनके मेंबर के पास फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट हो करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना में, आपको समझ आ रहा है ना। तो आगे देखिएगा इसको प्रूफ करने के लिए आपके बुक में जरूर इसका क्वेश्चन होगा, है ना, और ये 2020 में आया है स्टूडेंट्स, ये जो है 2020 पंडित रविशंकर शुक्ल में पूछ दिया गया था कि प्रूफ, प्रूफ दैट, जो भी बोल दिए, टोपोलॉजी टाउ को कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहा जाएगा यदि इसके मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अब ये हमारे लिए चुनौती बन गया, अब इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो देखिएगा कैसे हम लिखेंगे इसको। हमने बता दिया कि लेट टाउ इज कलेक्शन ऑफ दोज मेंबर हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। माना, इसका अर्थ ये था, मैंने ये माना है कि, माना कि टाउ क्या है, ऐसे कलेक्शन है जिसके कॉम्प्लीमेंट्स जो होंगे उनके मेंबर का वो क्या है, फाइनाइट है। मेरे को टोपोलॉजी का परिभाषा प्रूफ करना है बच्चों, इसके लिए याद रखना, फिर से समझा रहा हूं, क्या बोला, टाउक ऐसा कलेक्शन है, ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर के जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स जो हैं उनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। लेट टाउ विद कलेक्शन, है ना, ऑफ दोज सबसेट्स या फिर दोज मेंबर हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। वी नो दैट फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, फाई का यहां पर छोटा सा डेस दिखा, मतलब एक्स, आप जानते हो टाउ पे होता है ये, एक्स का कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा तो क्या होता है, फाई, ये भी टाउ पे होगा, है ना। हम इसको टोपोलॉजी के परिभाषा लिखना चाहते हैं, इसके लिए ये दिमाग में होना चाहिए आपका, ठीक है, क्या मैं समझा पा रहा हूं इतना। तो मेरे पास जो है पहला नंबर का कंडीशन T1 बोल देते हैं, कई लोग T1 बोलेंगे तो भी ठीक है, 1 बोलेंगे तो भी है, टोपोलॉजी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं इसलिए, और जो 1 2 ना लिखकर T1 T2 T3 ऐसा करके एग्जूम को लिखने के लिए, आपने कहा कि ऊपर में जो कहा वी नो दैट करके, इसका मतलब मैं इसको एक बार हाईलाइट करूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्स कॉम्प्लीमेंट है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई आता है, और इसके बराबर ही क्या है आपका ये आपस बराबर है एक्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट टाउ पर जाएगा। फिर मैंने बोला कि इसी प्रकार से मैंने कहा कि फाई कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है एक्स, ये कहां पर जाएगा, टाउ पर जाएगा। टोपोलॉजी के जो गुण होता है, टोपोलॉजी गुण में आप जानते हो पहला ये काम करते हैं, टोपोलॉजी के सारे गुण को दिखाना है, इसके लिए ध्यान से समझने का प्रयास करना है, ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम आप करेंगे, टोपोलॉजी का पहला गुण है ना ये, बोलेंगे यस सर ऐसा ही होता है। जिसके लिए आप परिभाषा दिखाना चाहते हो बच्चों, हम लोग टोपोलॉजी के मेंबर जो होगा वो टोपोलॉजी, आपने ये कहा है जानबूझ के कहा ये टोपोलॉजी है बोला, जिसके मेंबर्स क्या है सारे के सारे उसके मेंबर का कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट है। आपको बताना है कि अपने आप में टोपोलॉजी के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करके, तो आपको सोचना है, और बार बार एक दिमाग में आता रहेगा
कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट है, कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट है, लिखना वही है घूम फिर के, है ना, लेकिन एक शर्त बार बार आ रहा है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरे पास जीवन, आपके पास क्या है, एक सेट है मान लेते हैं G2, दूसरा सेट है लेट जीवन और G2, ये दो सेट्स हैं बच्चों किसके, टाउ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेकर। दोनों के अगर मैं क्या कर दूं, ये है इसका अर्थ, ये है कि दिस इंप्लाइज दैट अगर दो सेट टाउ के अंदर है तो क्या जीवन का कॉम्प्लीमेंट और G2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, कहूंगा मैं फाइनाइट है ना, ये इज फाइनाइट, इज फाइनाइट। कैसे परिभाषा, बार बार आप ऊपर का प्रश्न को ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जितने भी टाउ के मेंबर होते हैं उसके पास क्या होता है, हैज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, मतलब जीवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा, और G2 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। लिख दिया आप लोगों ने, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे बच्चों। फाइनाइट चीजों का जो यूनियन होता है फाइनाइट सेट का, हमेशा क्या होता है, फाइनाइट होता है, दिमाग में रखना। मैं जीवन का अगर मैं जीवन डेस का यूनियन कर दूं किसके साथ, G2 डेस के साथ, तो क्या होगा बोलेंगे, सर इज फाइनाइट बोलना, क्या बोलेंगे, इज फाइनाइट बोलेंगे बच्चों, ओके फाइनाइट हो गया। अच्छा अब मैं डिमॉर्गन प्रॉपर्टी लगाता हूं, हम जो है यूनियन इंटरसेक्शन पर भी डिमॉर्गन प्रॉपर्टी आती है, वो क्या कहता है, जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट बाहर निकलेगा मैं लिखूंगा जीवन इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, क्योंकि ये बराबर है, ये भी क्या होगा आपका फाइनाइट होगा। लिख लिया आप लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेकर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये कहना चाहते हैं जो जो फाइनाइट होते हैं, जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है, वो कहां से आता है, टाउ से आता है, कहा है आप लोगों ने, मैंने कहा है टोपोलॉजी की परिभाषा लिखूंगा एक चीज को लेकर, क्या एक शब्द एक्स्ट्रा आके मेरे को क्या कर रहा है, टेंशन दे रहा है कि कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए, यह शर्त लेकर चलो और टोपोलॉजी है कि नहीं ये दिखा, प्रूफ दैट दिस इज टोपोलॉजी, है ना, इस कॉल्ड टोपोलॉजी बोल रहा है, मतलब इस टोपोलॉजी, मेरे टोपोलॉजी प्रूफ करना था, हालांकि यहां पर लिख दिया इस कॉल्ड टोपोलॉजी प्रूफ दैट टाउ इज टोपोलॉजी इफ करके बोलता, प्रूफ दैट टाउ इज टोपोलॉजी इफ जो है एवरी मेंबर ऑफ टाउ हैज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोल देता, हालांकि हमने कॉल्ड करके लिख दिया, जैसे भी है आप लोग अपने किस में देख लेंगे, अपने क्वेश्चन में देख लेना उसमें क्या लिखा है करके, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है ना। तो प्रश्न के तौर पर पूछता तो वही बोलता कि प्रूफ दैट दिस इज टोपोलॉजी, है ना, अगर क्या है या फिर को फाइनाइट टोपोलॉजी है बोला, इसका अर्थ यह है कि इसके सारे मेंबर को क्या है कॉम्प्लीमेंट जो होगा फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बताना चाहते थे। तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता था, देखते ही समझना था आपको कि यह प्रश्न पूछा और किस दृष्टि से पूछा करके, टोपोलॉजी ही प्रूव करवाना चाहता है, को फाइनाइट टोपोलॉजी बनाना है वो है साथ में, इसका अर्थ यह है वो चीजें जिनकी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होती हैं वो कहां से आता है, इस टाउ से आता है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का ये अर्थ था। तो आप यहां पर बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसको लिखने वाले हैं क्या, जिन चीजों का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है वो कहां से आते हैं बच्चों, वो चीजें आती हैं टाउ से, परिभाषा वही कहता है अगर कोई चीज टाउ से था तो उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है, ये चीज फाइनाइट था मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन कहां से आया होगा, टाउ से आया होगा, क्योंकि टाउ से आने वाले चीजों का ही क्या होता है कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट पाया जाता है, बात समझ आई। तो आपने देखो टोपोलॉजी का दूसरा नंबर का कंडीशन को क्या कर लिया, पा लिया, एक टोपोलॉजी का परिभाषा में से था, और मैंने कहा था बार बार, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न यही है बच्चों, टोपोलॉजी ही दिखाना था, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का अर्थ ये था कि बस उसके मेंबर फाइनाइट होते हैं, उसको दिमाग में रखा और उसके माध्यम से प्रूफ कर रहा हूं मैं इसको, समझ आया। अब नंबर तीसरा बच्चों, तीसरा में हम देख लेते हैं, तीसरा क्या होता है, फिर हम पर बोलेंगे कि इसको आप जी लेमडा के तौर पर बोलेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन होती है क्या, फाइनाइट इंटरसेक्शन, दो लेंगे तो भी काम बन जाता है, लेकिन आप यूनियन की बात कहेंगे तो यूनियन में क्या होते हैं, आर्बिटरी, जितना ले ले उतना होता है, तीन तीन का भी एक साथ यूनियन करते हो, याद है आप लोगों को, एबीसी का यूनियन करेंगे तो एबीसी आना चाहिए बोले थे हम लोग, है ना, इस प्रकार से यूनियन आर्बिटरी होती है, इसलिए यहां पर क्या बोलेंगे, चलो मैं मान के चलता हूं बच्चों लेट मेरे पास क्या होगा, मैं जीवन जी तो नहीं बोलूंगा, जी लेमडा बोलूंगा, और जी लेमडा मेंबर है किसका बच्चों, टाउ का, जो चीजें टाउ से आती हैं प्रश्न अनुसार या फिर हमारे कथना अनुसार, कथन क्या कहता है, उनका कॉम्प्लीमेंट सदैव कहां से आएगा बच्चों, सॉरी उनके कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, इज फाइनाइट, ठीक है। ये इस फाइनाइट अगर मैं ऐसे एस कर दे, मतलब बहुत सारे होते इसमें, या तो जीवन, या तो G2, या फिर G3, या फिर जीवन का कॉम्प्लीमेंट, G2 का कॉम्प्लीमेंट, G3 का कॉम्प्लीमेंट, हर किसी का कॉम्प्लीमेंट, जिसका भी हो उसका कॉम्प्लीमेंट, ऐसा होता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्बिट्ररी है ये मेरा, ठीक है। तो ये तो बात समझ आती है प्यारे बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट को आपने फाइनाइट कहा। आपने अभी कुछ कहा था कि फाइनाइट चीजों का यूनियन भी फाइनाइट होते हैं और फाइनाइट चीजों का इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो सामने में एक निशान लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, दिस इंप्लाइज दैट करके, दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज कर रहा हूं बच्चों, मेरे पास ये था, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस लाइन को चलता रहेगा, ठीक है। क्या चलता रहेगा, हम बोलेंगे कि इनका इंटरसेक्शन कर दो, फाइनाइट चीजों का इंटरसेक्शन बच्चों हमेशा क्या होता है, ये इंटरसेक्शन का निशान, और बाहर में रखेंगे ऐसा ब्रैकेट, समझाने के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर जितना मन लगे उतना चीजों को रख के इंटरसेक्शन कर सकते हो करके, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी यही तो आपका है। और यहाँ पर बोलेंगे कि जीवन का जी टू के साथ इंटरसेक्शन करो या फिर जी टू का जी थ्री के साथ करो, है ना, हमेशा ये क्या होंगे बच्चों, इस सब का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का निशान होगा, ठीक है। क्या होगा, ये इज फाइनाइट, क्यों, फाइनाइट चीज का इंटरसेक्शन फाइनाइट, जीवन को पकड़ा था या फिर जी टू को पकड़ा था या फिर जी थ्री को, आपने क्या कर दिया, हम लोगों ने जीवन जी टू जी थ्री कुछ भी पकड़ ले, मेरे को किसी ने किसी का इंटरसेक्शन आपस में करना है, तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, इन चीजों का फाइनाइट होगा, ये बात है जी। देखो डेस यहां पे लगाया हूं मैं, समझ आया। अब ये कॉम्प्लीमेंट को मेरे को हटाना है, सबके ऊपर लगाना है मेरे को, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी अगेन, और यहां पर हो जाएगा बच्चों यूनियन, और क्या लिखेंगे आप लोग, जी लैम्डा, और जो है लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, और सबके ऊपर में क्या लगेगा, सबके ऊपर में कॉम्प्लीमेंट लगेगा, इज क्या है, फाइनाइट। अब ये और ये बराबर है, बोलना कहां से, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी से, है ना, उसी को इंप्लाइज करते करते जा रहे हैं। तो आपको पता है जिन चीजों का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते हैं वो अंदर की चीजें कहां से आती हैं, टाउ से आती हैं। देखो जिन चीजों का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है वो चीज कहां से आता है, टाउ से आता है। तो आप क्या कहेंगे, इनका मतलब ये आपका आर्बिटरी यूनियन जी लेमडा, वो जी लेमडा कहां से आया है बच्चों, ये पूरा का पूरा पक्का जो है टाउ से आया होगा। एक लाइन यहां पर क्या लिखते हैं इसके लिए, आप बोलते टाउ इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, टाउ इज क्लोज्ड अंडर आर्बिटरी यूनियन, ये शब्द लिखा जाता है। तो टाउ क्या हो गया, फिर इस प्रकार से आप बोलेंगे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, आपका टाउ क्या होगा, एक नया टोपोलॉजी है लेकिन जिसके कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट्स है, इट मींस दैट इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी इसलिए कहा जाता है करके, ठीक है। तो आप बोलेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ, है ना, क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी आप क्या बोलेंगे, टाउ इज, है ना, क्या है, टाउ इज अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इज अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। बस प्रश्न आपका परिभाषा ही आपका प्रश्न बना था आपके समक्ष, क्या बोला था, परिभाषा ही प्रश्न बना था, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन एक शब्द क्या आ रहा था बार बार, एक शब्द आ रहा था कि इनके मेंबर फाइनाइट होना चाहिए, वही जाता है उसी के अंदर, तो टोपोलॉजी के सारे गुण को रखेगा, साथ में चल ही रहा था, अब उसी को हम लेकर चले थे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टोपोलॉजी का परिभाषा आया बच्चों, लेकिन बीच में टोपोलॉजी परिभाषा अपने आप नहीं किया था मैंने, वो अपने आप परिभाषा आता चला गया। हमने बस इतना कहा था कि टाउ ऐसा कलेक्शन है जिसके मेंबर्स क्या होते हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है, लेकिन अपने आप में टोपोलॉजी का परिभाषा भी लेकर चलता है, ये आ गया, इट मींस दैट ये एक टोपोलॉजी था और जिसके जो है कॉम्प्लीमेंट क्या थे, फाइनाइट थे, इसलिए को फाइनाइट, एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट वाला, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो ये आपका सिंपल सा अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि प्रूफ कीजिए अगर टाउ जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ना, तो ये जो है जितने भी मेंबर है वो क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट जो होंगे वो फाइनाइट होगा, मतलब ये टोपोलॉजी के सारे गुण को रखता है कि नहीं, घुमा के आपको बोला गया है, आपके बुक में भी यही प्रूफ मिलेगा, लेकिन समझ नहीं आता कई बार बच्चों को कथन कि ये कहना क्या चाहता था करके। ये बस आपसे टोपोलॉजी के शर्तों को पूछता है कि इस स्थिति में टोपोलॉजी के सभी शर्त लेकर चलेगा कि नहीं, ऐसे करके। तो नया टोपोलॉजी है जिसको क्या बोलते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं, बोल रहे हैं टोपोलॉजी है ही, और साथ में कुछ खास गुण के साथ टोपोलॉजी चल रहा है, इसलिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब आता है हमारा कोकाउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल में आप एक लाइन में कहेंगे, ऐसा टोपोलॉजी जिसके अंदर के मेंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। यहां पर फाइनाइट हुआ करता था और यहां पर क्या होना चाहिए, काउंटेबल। और लिखने का तरीका देख लेते हैं, क्योंकि जो है मैं बच्चों को बोल देता हूं तो अपने तरीके से लिख देते हैं। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट और टाउ बी कलेक्शन ऑफ आल, है ना, आल नहीं बोलना बच्चों आप लोग को, कुछ भी हो सकते हैं, है ना,
कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर काउंटेबल, हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर काउंटेबल, देन दिस टोपोलॉजी, इसको क्या कहा जाएगा, को काउंटेबल टोपोलॉजी कहा जाएगा यदि ये टोपोलॉजी गुण को भी रखता है। तो समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको शुरू से टोपोलॉजी भी कहा जा सकता था, है ना। क्या बोलते हैं, ये एक्स क्या है आपका, नॉन एम्प्टी सेट है, एक टोपोलॉजी टाउ को क्या कहा जाता बच्चों, एक टोपोलॉजी टाउ को कॉन्टेबल टोपोलॉजी कहा जाता इफ इसके कॉम्प्लीमेंट्स जो होंगे इसके सबसेटों का वो हमेशा कॉन्टेबल सेट्स के रूप में होते, तो है ना। तो बुक के माध्यम से भी चीजों को आप सही कर सकते हो या फिर अपने बोलचाल के माध्यम से भी सही कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को, है ना, एक लाइन हाईलाइट करते हैं, टोपोलॉजी मतलब ये टाउ जो है टोपोलॉजी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी जो है को काउंटेबल टोपोलॉजी कहा जाएगा, कहने का मतलब ये सारे गुण को रखना चाहिए तब जाके हम बोलेंगे हाँ भैया इसको तब कहेंगे टोपोलॉजी करके। शब्दारण टोपोलॉजी टोपोलॉजी, तो को काउंटेबल टोपोलॉजी मतलब टोपोलॉजी गुण के साथ ये खास काउंटेबल वाला गुण भी साथ में आ जाएगा जो कि उसके फाइनाइट पर क्या है उसके कॉम्प्लीमेंट पर लागू होते हैं। बात क्लियर है, क्या यही प्रश्न आपको बनाकर पूछता तो क्या ये जहां शब्द जहां फाइनाइट फाइनाइट लिखा है वहां पर आप काउंटेबल काउंटेबल लिख के भी एक प्रश्न बना सकते हो, मान लो यही घुमा के पूछ दिया आपको, बनेंगे सर बोलना आप लोग, समझ आया ना। यही आपको पूछ देता कि प्रूव दैट एक कलेक्शन है टोपोलॉजी है टाउ है और टाउ को क्या कहा जाएगा, को काउंटेबल टोपोलॉजी कहा जाएगा इफ मेंबर्स ऑफ टाउ हैज, है ना, क्या लिखा जाएगा, हैज काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट करके, मतलब यही लिखते ऐसे ही प्रूफ करते आप लोग, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, ठीक। अब आता है बच्चों डोर स्पेस, है ना। तो डोर स्पेस किसे कहा जाता है, एक ऐसे टोपोलॉजी बच्चों जिसका क्या हो उसके मेंबर में उसका कॉम्प्लीमेंट अगर लगाया जाए घूम फिर के वही आएंगे, अर्थात ऐसा कहना चाहता हूं मैं, एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। एक टोपोलॉजी मैंने एक स्टाउ बनाया या फिर टोपोलॉजिकल स्पेस, ये क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस को डोर स्पेस कहा जाता है यदि उसके अंदर के जो टाउ के अंदर के जो मेंबर है ना वो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। अब आएगा यहां पर शब्द ओपन और क्लोज, मैंने कहा अभी तक मैं आपको ओपन का सही परिभाषा बताया ही नहीं हूं, अभी इतना मान के चलेंगे टोपोलॉजी के मेंबरों को क्या कहा जाएगा, ओपन सेट कहा जाता है, ये दिमाग में बस रखेंगे। जिस दिन आप लोगों ने मतलब कल जो टोपोलॉजी का परिभाषा पढ़े थे ना वहां पर नोट के तौर पर लिखिएगा कि टोपोलॉजी के अंदर के मेंबर को ओपन सेट कहा जाएगा हमेशा, क्या बोलेंगे आप लोग, ओपन सेट कहा जाएगा। जो आपने कल लिखा था ना बेटा ये क्या है, बोलेगा टोपोलॉजी जिसने बना दिया, टोपोलॉजी में जो भी आपने कंटेन करवा दिया टोपोलॉजी के इन सेटों को क्या कहा जाएगा, बोलेंगे ओपन सेट कहा जाएगा करके, मान के चल रहे हैं। टोपोलॉजी के ओपन सेट का परिभाषा हमने अभी तक से अच्छे से नहीं बताया है आपको, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे नेवर रूट और हम पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट। अब नेवर रूट और इंटीरियर पॉइंट के माध्यम से ही आप ओपन एंड क्लोज को बताने में थोड़ा ज्यादा सक्षम और सही परिभाषा कहलाएगा वही, समझ आ रहा है। ये केवल एक बोलने का तरीका मात्र है कि टोपोलॉजी के अंदर के मेंबर को ओपन सेट कहा जाता है या होते हैं, कहा जाता है कहने से अच्छा है होते हैं बोलेंगे आप लोग, ठीक है। अगर उनका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा बोलेंगे आप लोग, है ना। और जबकि ये क्लोज का परिभाषा भी नहीं है, दिमाग में याद रखना है आप लोग को। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, आप लोग फोटो खींचना है तो जिनको फोटो खींचना है खींच लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे आप लोग को डोर स्पेस क्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने जैसे कि परिभाषा यहाँ पे लिखा है, ये तो हमारा को काउंटेबल हो गया। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ को डोर स्पेस कहा जाएगा यदि इसके जो सेट्स हों मतलब टाउ के जो मेंबर हों या फिर सबसेट हों वो मेंबर्स बोथ ओपन एंड क्लोज होना चाहिए, मतलब ओपन भी है क्लोज भी है, है ना। तो नोट के तौर पर मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा था नोट में याद रखेंगे जितने भी मेंबर होते हैं, है ना, एवरी मेंबर, है ना, या फिर एवरी सेट्स इन टाउ आर ओपन सेट्स, ठीक है बच्चों। ये सब के सब क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं, दिमाग में है ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक टोपोलॉजी है या टोपोलॉजिकल स्पेस है इसको डोर स्पेस कहा जाएगा यदि और केवल यदि इफ ओनली इफ एवरी सबसेट ऑफ एक्स आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अब यहां पर क्या है, एक्स के जो मेंबर है इसको बोथ ओपन एंड क्लोज कहा जाएगा, ये कहां का कॉन्सेप्ट आ गया, समझ आपको आएगा नहीं अभी। तो अपन जो है एक टोपोलॉजी बनाएंगे, आपको समझाएंगे, ये मेरा एक्स है इसको मैं डोर स्पेस करना चाहता हूं, इसको एक्स टाउ को, लेकिन पहले समझ लेते हैं एक्स टाउ बनाया कैसे।
तो मैंने कहा कि मेरे पास ये सर ये एक्स है और एक्स के अंदर आप एलिमेंट ए बी सी ही ले लीजिएगा, है ना। और मैं एक टोपोलॉजी आपको बनाकर दिखाता हूं। इसमें मैंने रखा फाई को, फिर मैंने रख दिया ए को, फिर मैंने रख दिया बच्चों बी सी को, फिर मैंने रख दिया एक्स को। ये टोपोलॉजी है कि नहीं, बोलिए टोपोलॉजी है कि नहीं, बोलेंगे टोपोलॉजी है। पहला कंडीशन क्या होता है, फाई और एक्स होना चाहिए, इंटरसेक्शन किसी कर दो यहीं से आना चाहिए, यूनियन कर दो इसी के अंदर आना चाहिए, इनका इनका यूनियन करूंगा तो एक्स बनता है, इनका इनका यूनियन करूंगा तो एक्स ही आएगा। टोपोलॉजी है बच्चों, इसको कहा जाएगा आपका डोर स्पेस। इसको कब, क्योंकि हमने कहा हर एक मेंबर क्या होते हैं, ओपन सेट। तो हाँ, हाईलाइट करते हैं ओपन सेट क्या थे, है ना, ओपन सेट्स। तो ओपन सेट्स में एक तो मेरे पास फाई था, फिर लिखेंगे आपका ए भी ओपन सेट है, मेरा बी सी भी क्या है ओपन सेट है, एक्स भी क्या है ओपन सेट है। अब क्लोज सेट को ध्यान से देखो कैसे दिखेगा आप लोग को। क्लोज सेट्स, जो क्लोज सेट्स आएंगे बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि देखेंगे मैं समझूंगा मेरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों करना है, क्योंकि ओपन का ही कॉम्प्लीमेंट को क्लोज कहा जाएगा। अभी तक जब तक आपने ओपन और क्लोज का परिभाषा नहीं पढ़ा है, तो ये केवल किसे कहा जाता है हम बोल रहे हैं, क्या है डिफाइन कीजिए, ऐसा क्लोज सेट नहीं कहा मैंने। क्या बोला, ओपन जो नहीं है अर्थात कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होता है हमेशा क्लोज होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स। तो ये ओपन था तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमेशा क्लोज, याद रखना। अगर ए ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा बच्चों, ये क्लोज होगा, ऐसा आप लोग को पुस्तक में लिख के दिखाया है। जैसे कि ए कोई ओपन सेट है कहां से, टाउ से, तो सॉरी ए कोई मेंबर है टाउ का, तो इसको क्या कहा जाएगा हमेशा, तब जो है बोला जाएगा कि पक्का जो ए है, ए क्या है बच्चों, ए ओपन सेट है, ऐसा कहा जा रहा है। और यहां पर अगर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्लोज बन जाएगा, ऐसा बोलता है, ठीक है ना। बस मान के चलिए, अभी इसका कॉम्प्लीमेंट लगाइए बच्चों, क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी सी आएगा, सही बात है। बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए आएगा, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई आएगा। देखिए घूम फिर के वही आए हैं, जो ऊपर में थे वही आए, अर्थात वो बेचारा, ये तो ओपन है आपने कहा क्लोज है, इसको ओपन कहे थे ना, क्यों, क्योंकि टोपोलॉजिक परिभाषा क्या होता है, टोपोलॉजी के परिभाषा में टाओ के जितने मेंबर होते हैं सबको कहा जाता है ओपन सेट। अब आपने जब कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो आपको दिख रहा है कि ये तो क्लोज दिख रहे हैं, तो क्लोज देखने पे भी क्लोज दिख रहा है कुछ शर्तों के साथ, और ओपन देखने पे भी ओपन दिख रहा है। तो वे टोपोलॉजी जिसके मेंबर जो है बोथ ओपन एंड क्लोज बिहेव करते हैं, ओपन का भी और क्लोज का भी होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ऐसा हम सोचते हैं, हालांकि पूर्णतः सत्य बात नहीं होती है, लेकिन एक कल्पना है डोर स्पेस किसे कहा जाए, होते कम है ऐसा। तो ऐसे स्पेस जिस पर क्या हो, उसके सेट जो है, जो ओपन है वो क्लोज ऐसा भी बिहेव करे उसी पर, तो इसको कहते हैं हम लोग डोर स्पेस, डी डबल ओ आर, डोर। तो डोर स्पेस क्या है बोलेंगे, तो बोलेंगे एक टोपोलॉजी टाउ है, या फिर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ है, इसी को क्या कहा जाएगा, डोर स्पेस कहा जाएगा। जब जब जितने भी मेंबर्स हैं, या फिर जो ओपन सेट्स हैं, या फिर यहां पर आपने कहा है जो भी उठा लिया, ये आप ऐसे कह देते हैं, ये कह देते हैं, मेंबर ऑफ टाउ कहने में ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, क्योंकि आप जो है हर किसी को नहीं पकड़ सकते। तो इफ एवरी सबसेट्स ऑफ ये जो है टाउ कहा, या फिर मेंबर ऑफ टाउ कहा, वो आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, क्या होगा, ये ओपन एंड क्लोज होगा बच्चों, ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। तो उस प्रकार के जो टोपोलॉजिकल स्पेस होंगी, उन तमाम टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या कहा जाएगा, डोर स्पेस कहा जाएगा। एग्जांपल आप लोगों ने समझा, एग्जांपल यही लिखेंगे आपके बुक में भी, यही होगा बच्चों, है ना, या फिर अलग तरीके से लिखोगा, मेरा मर्जी, मैं अपने तरीके से बता सकता हूं, समझ आया, आप अपने तरीके से एग्जांपल लिख सकते हो, ये है आपके बुक में और होगा तो और लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं समझा पाया, ठीक है, देखिएगा, इतना साल से आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं, लगभग 5 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, आपको हो सकता है कि आपके सीनियर को जो पढ़ाया उसकी तुलना में कुछ अलग बोल दूं, लेकिन सेंस कहीं बदलेगा नहीं। क्या एग्जांपल कुछ दिया है भूमिका, उसमें एक टोपोलॉजी बनाया होगा, और टोपोलॉजी उसने क्या बनाया, ए और फिर बी और ए बी वाला टोपोलॉजी बनाया है, है ना, क्या बनाया है, ए बी एक टोपोलॉजी और बनाया है, उसमें एग्जांपल में बताइए टोपोलॉजी को, भूमिका बुक वाला एग्जांपल बताइए, टोपोलॉजी बताइए, टाउ इक्वल टू बोलो एक्स फाई, या फिर फाई एक्स, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, ए बी। देखिए ये भी है बोल रहा है, तो करके देखते हैं हम लोग,
ये टोपोलॉजी का, ये जो है मान लो इसका टोपोलॉजी बनाते हैं, ये टोपोलॉजी है और नॉन एम्प्टी सेट तुम्हारा ये एक्स यही है, तो ये जो एक्स टाउ बनेगा इसके कारण से डोर स्पेस बनेगा बोल रहे हैं, तो करके देख लो आप, ध्यान से देखो इसके कॉम्प्लीमेंट्स को निकाल के देखो बच्चों, ओपेस होगा, देखना ये आपका क्या है, ये टोपोलॉजी था नॉन एम्प्टी सेट हमारा यही तो लिए जा रहा है, मैं बोला हूं कि ये भी मेरा क्या है बच्चों, ये भी मेरा डोर स्पेस है, याद रखना जिनका डायरेक्टली आपने क्या निकाल दिया ओपन का सबसेट निकाला, वो क्या आ गया यहां पर देखेंगे तो वो क्लोज सेट के रूप में आ गया, ये ऐसे सेट हमेशा डोर स्पेस बनाएंगे ही बनाएंगे, ये वाला टोपोलॉजी हमेशा क्या बनाएगा डोर स्पेस बनाएगा ही बनाएगा। अब यहां पर जैसे कि बुक का एग्जाम्पल है इसको समझते हैं, टोपोलॉजी के कंडीशन को नहीं तोड़ना चाहिए, टोपोलॉजी होना चाहिए हर स्थिति में। अब देखिए ये सारे सारे क्या थे ओपन सेट्स हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ओपन और क्लोज भी है, ये भी सीधे कर सकते हैं, अभी देखना कैसे ओपन सेट्स हैं, हम यहां पर एक नया कलेक्शन जिसको मैंने क्या बोल दिया आपके बुक में इसको बी बोला है उसने, नया कलेक्शन बी ना बोलकर मैं क्या बोलता हूं उसको टाउ डेस बोलता हूं, मैं क्या बोलूंगा टाउ डेस में इसका कलेक्शन क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा फाई आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा एक्स आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों बी सी आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा ए सी आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा सी आएगा। अब ये अपने आप में फिर टोपोलॉजी के गुणों को सिटिफाई कर रहे हैं, ये टोपोलॉजी है कि नहीं बोलेंगे सर फाई हो है। क्या है इसके पास एक्स भी है, फिर इसके साथ क्या कीजिए किसी के साथ किसी का इंटरसन कीजिए आइए आ रहा है, यूनियन कीजिए आ रहा है, तो अब देखेंगे कोई, अब ये तो आपने कहा इसको क्लोज सेट है, कहा क्यों क्लोज, क्योंकि आपने ओपन का कॉम्प्लीमेंट करके कराया, ओपन का क्या बनाया है कॉम्प्लीमेंट बनाया, तो ओपन का कॉम्प्लीमेंट बनाया मतलब क्या बन गया वो क्लोज्ड, लेकिन यहां पर तो खुद टोपोलॉजी का बिहेव कर रहा है मतलब वो सारे क्लोज सेट अपने आप में ओपन भी हो गया, हाँ कि ना, फिर से बोल रहा हूं ये भी अपने आप में डोर स्पेस बनाएगा, क्यों बनाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट बनाया मैंने, वो क्या होते हैं ओपन सेट और इनका कलेक्शन अपने आप में फिर टोपोलॉजी बना रहा है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट जिनका टोपोलॉजी बना रहा हो मतलब वो डोर स्पेस बनाते हैं, ये क्योंकि अपने आप में फिर एक टोपोलॉजी बना एक कलेक्शन और टोपोलॉजी के सारे गुण को रखा हुआ है, अब इनका फिर से मैं क्या करूंगा इंटरसेक्शन करूंगा, जो भी करूंगा टोपोलॉजी के तमाम गुणों को खुद रखता है मतलब जो टोपोलॉजी गुणों को रखता है मतलब ये सेट्स क्या होंगे हर वो कलेक्शन जो नॉन एम्प्टी सेट पर बनते हैं उनको सबको हम टोपोलॉजी कह सकते हैं, तो ये कलेक्शन अपने आप में टोपोलॉजी है मतलब इन सेटों को अब ओपन भी कहेंगे, अभी आप कह रहे थे क्लोज किसके दृष्टि से इसके दृष्टि से, तो क्या आ गया वो ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है, इसकी दृष्टि में ये अब ओपन सेट है तो इनका कॉम्प्लीमेंट ये क्लोज बन रहा है, तो ये सेट अपने आप में ओपन भी है और क्लोज भी है बच्चों। और देखना याद करना पावर सेट हमेशा क्या बनाते हैं डोर स्पेस बनाते हैं, पावर सेट क्यों, पावर सेट में सब चीज आता है, पावर सेट में आपने कर दिया पी एक्स करके तो पी एक्स में क्या क्या आएगा, एक तो फाई आएगा, फिर सिंगलटन ए आएगा, सिंगलटन क्या आएगा बी आएगा, सिंगलटन क्या आएगा सी आएगा, फिर ए बी आएगा और फिर क्या आएगा आपका बी सी आएगा, फिर क्या आएगा ए सी भी आएगा और इस प्रकार से एक्स भी आएगा। प्यारे बच्चों फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स क्लोज बन गया सब, इसका कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका बी सी और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए सी, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका ए बी, है ना, इस प्रकार से इनका कॉम्प्लीमेंट ये इनका कॉम्प्लीमेंट ये, बात क्लियर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है बच्चों ये, तो सब चीज ओपन और क्लोज घूम फिर के आया कि नहीं, तो ऐसे जो भी स्पेसेस बनती हैं इन स्पेसेस को डोर स्पेस कहा जाता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नया है ना, तो कभी खुदा ना खास्ता आपको किस माध्यम से पूछ दो इसको, आपके ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछ दे और पूछा कि भाई ये डोर स्पेस बनाएगा कि नहीं करके, हालांकि क्वेश्चन आया हो ना आया हो हमारे पास टॉपिक है बच्चों, तो हम उसको पढ़ेंगे गहराई से पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, याद रखिएगा आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटनी चाहिए, हम ऐसा पढ़ने का प्रयास करेंगे ठीक है, और धीरे धीरे करके नहीं हम आईएमपी पढ़ेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता आईएमपी सीएमपी कुछ नहीं होता, आईएमपी सारे सारे आईएमपी ही है मान के चलेंगे हम लोग, और तुमको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो एक्स्ट्रा और चीजें पढ़ेंगे, कुछ और दिया है सर थोड़ा समझ लेते हैं क्या इसको थोड़ा और याद कर लेते हैं क्या सर करके, मेरा पढ़ाने के बाद ना बच्चों आप लोग जो पढ़ा जो है पूरा पढ़ लेंगे एक मिनट पढ़ लेंगे ना अब अंदर से बहुत सारी चीज खुद निकालने चालू करेंगे, ये सर ये भी एक चीज दिया था मैंने याद कर लिया इसको, ऐसा सर एक थ्योरम और जैसा छोटा सा मैंने याद कर लिया बताइए सही है कि नहीं करके, तो आप लोगों को इसलिए बार बार प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग रोज पढ़ पढ़ के आएंगे है ना, जब तक आप जो है याद नहीं करेंगे तब तक पूछते रहेंगे आप लोग को, फिर आदत सी हो जाएंगी आपको मजा आएगा याद भी हो जाएगा आप एग्जाम में अच्छा नंबर भी लाने वाले हो ठीक है बच्चों ठीक, तो ये आपका छोटा सा मेरा कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आया होगा। फिर बच्चों आता है इंटरसेक्शन एंड द यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज,
है ना, वेरी आईएमपी थ्योरम है ना, कब का पूछा है वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, देन आपको बता देंगे कि प्रश्न कब का पूछा गया है करके, एक बार चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नोट्स के अंदर कि कब का कौन सा प्रश्न आया है करके, ठीक। लेकिन ये पहला महत्वपूर्ण थ्योरम एक ये है, ठीक है। अब चालू करें, क्या कहा गया है, देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज आल्सो टोपोलॉजी बट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज नॉट नेसेसरी अ टोपोलॉजी। दो टोपोलॉजी का यूनियन टोपोलॉजी होते हैं, लेकिन यूनियन जरूरी नहीं कि टोपोलॉजी बने, कभी कभी हो सकते हैं, यूनियन टोपोलॉजी बने ऐसा जरूरी नहीं है। नेसेसरी का क्या मतलब है भाई, जरूरी थोड़ी ना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन सदैव इंटरसेक्शन किया जाएगा टोपोलॉजी का तो हमेशा वो टोपोलॉजी जो है, नया टोपोलॉजी जो बनेगा टोपोलॉजी का, वो हमेशा क्या रहेगा, नया टोपोलॉजी ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, है ना, और वहां से उधर से प्रूफ करते हुए हम इधर आने वाले हैं, तो मैं जगह मेरा क्लियर कर लेता हूं, आप लोग को समझ आ जाएगा, मैंने मेंशन कर दिया है। क्या स्टेटमेंट याद हो गया, क्या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप बता सकते हो विच इज ट्रू, ऐसा बोला है और लिखा है, क्या लिखा है, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज टोपोलॉजी, इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज टोपोलॉजी, और बोथ ए एंड बी ट्रू बोल रहा है, फिर ऑप्शन में नॉन बोला है, तो बोलेंगे सर नहीं, इसमें सेक्शन जो है बी नंबर का है, क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज टोपोलॉजी, ये सही है, बाकी फाल्स है, फिर है ना, बात क्लियर है, ओके। तो हम प्रूव करेंगे, टोपोलॉजी की परिभाषा आनी चाहिए किसके लिए, इंटरसेक्शन वाले के लिए। अगर ये दो कलेक्शन का इंटरसेक्शन क्या होता है, नया कलेक्शन होता है। मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ये अगर टोपोलॉजी है कहना चाहता हूं तो इसके पास क्या होना चाहिए, फाइव भी होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, एक्स भी होना चाहिए, पहला गुण होता है ना, तो अपन वही करते चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने मेंशन कर दिया, माना कि टी वन और टी टू या फिर टाउ वन और टाउ टू दोनों क्या है, टोपोलॉजी ऑन नॉन एम्प्टी सेट एक्स है। नाउ वी हैव टू सो दैट, क्या शो करने वाले हैं, वी हैव टू सो दैट टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू इज आल्सो टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये मैं शो करना चाहता हूं, मेरे नंबर वन, मैंने क्या बोल दिया, मेरे जो प्रूफ के हिस्से है उसको मैंने पहला कहा, मेरे क्या दिखाना है, दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन नया टोपोलॉजी होता है, ये मेरे को शो करके दिखाना है। शो करके देखे, पहला देखिएगा, आप जानते हैं इसके अंदर, इसको मैं बोल रहा हूं टी वन नंबर का गुण, टोपोलॉजी में टी वन बोल देना है ना। अब आप जानते हो कि क्या जानते हो, आप जानते हो सिंस टाउ वन एंड टाउ टू है ना, क्या है ये, आर टोपोलॉजी, आर टू टोपोलॉजी है ना, आर टू टोपोलॉजी ऑन एक्स, आपने कहा है ना, आपने कहा है, चूंकि आपका एक टाउ वन और टाउ टू दोनों टोपोलॉजी है, जब टोपोलॉजी है तो आप देट इज ये कह सकते हो क्या बच्चों, फाइ बिलोंग करता होगा टोपोलॉजी है तो, और एक्स बिलोंग करता है टोपोलॉजी है तो, टाउ वन पर है ना। इसी प्रकार से आप बोलेंगे फाइ बिलोंग करता होगा टाउ टू पर, क्योंकि टोपोलॉजी था ये, टोपोलॉजी मतलब टोपोलॉजी का पहला गुण तो रखेगा ना भाई, और आप बोलेंगे एक्स भी बिलोंग करता होगा उस टाउ टू पर, बात क्लियर है। मैं इन दोनों को समीकरण एक और दो बोला होता, दिमाग में रखा होता, मैं क्या करूंगा बच्चों, इनका इंटरसेक्शन करूंगा दोनों पक्ष में, दिस इंप्लाइज दैट, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये इंप्लाइज करेगा, बोल रहा हूं मैं क्या करूंगा, इस पक्ष का इस पक्ष के साथ इंटरसेक्शन, इस पक्ष का इसके साथ इंटरसेक्शन, फाइ इंटरसेक्शन, फाइ क्या होता है, फाइ होगा सर है ना, और वो कहां पर जाएगा, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर जाएगा, राइट। एंड इधर वाला क्या जाने वाला है, एक्स का इंटरसेक्शन, एक्स के साथ क्या आता है, एक्स आता है, और कहां पर जाएगा, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर जाएगा। ये मेरा पहला गुण होता है बच्चों टोपोलॉजी होने के लिए, किसको टोपोलॉजी, किसी को भी टोपोलॉजी, आप किसको टोपोलॉजी कहने वाले हो, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू को, मतलब एक नया कलेक्शन, इस बिचारे को टोपोलॉजी बनने के लिए पहला शर्त चाहिए था कि इसके पास फाइव होना चाहिए, पूरा नया कलेक्शन के पास, इसके पास पूरा एक्स होना चाहिए कोई ना कोई, इसी तो टोपोलॉजी बोलते हैं, पहला परिभाषा पक्का सबको याद हो गया ये, तो एक लाइन में आपने फटाक से इसको प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार से सेकंड नंबर को आपको प्रूफ करना है ना, ये इसको टी टू बोल दिया मैंने है ना, अगेन मैं बोलूंगा सिंस करके, क्या बोलने वाला हूं, सिंस मैं ये बोलूंगा कि हमारा जो है ये ऐसा भी बोल सकते हैं, मानता हूं फिर बाद में सिंस बोलूंगा,
मैं मान लिया बच्चों अगर ये टोपोलॉजी है मैं बनाना चाहता हूं तो दूसरा गुण क्या चाहिए, मान लो ये यहां पर एक जीवन सेट लेता हूं, कहां पर जीवन सेट लेता हूं, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर, दूसरा लेता हूं मान लो और, क्योंकि ये कुछ भी कलेक्शन है मेरे को नहीं पता भी, तो ये जो है ये दो अलग अलग सेट लिया जा रहा है, एक बार जीवन और जीटू ही बोलते हैं बगल में, जीवन एक लिया और जीटू भी लिया, तो दोनों बिचारे का क्या आना चाहिए, जीवन इंटरसेक्शन जीटू, क्योंकि जो भी लेते हो दो सेट अलग अलग उनका इंटरसेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन उस कलेक्शन पे जाना चाहिए, पूरे को एक नया कलेक्शन बोले जा रहे हैं, इसको टोपोलॉजी होने के लिए क्या चाहिए, दो भिन्न भिन्न सेटों का इंटरसेक्शन भी उसी के अंदर आना चाहिए, यही परिभाषा होता है ना, इसी को बोलते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, है ना, सॉरी बात क्लियर है। लेट मैंने कहा जीवन और जी टू दोनों कहां के मेंबर है, मैंने मान लिया बच्चों, या फिर एक बार जीवन बोलूंगा फिर उसको आगे बढ़ाऊंगा तो भी मेरा काम बनेगा, मैं देखो एक बार जीवन बोलता हूं, जीवन कहां का है, जीवन बिलोंग करता है बच्चों टावर इंटरसेक्शन टाउ टू पर, लिख लिया मैंने, है ना, और इसी प्रकार से हमने क्या कह दिया, ये आपका जी टू भी बिलोंग करता है करके, तो या फिर इसको इंप्लाइज करता हूं, इंप्लाइज कर दिया, और इसका अर्थ ये है अगर ये जीवन टावर इंटरसेक्शन टाउ टू पर है, इसका अर्थ ये है दोनों के उभयनिष्ठ पर भी है, मतलब ये जीवन बेचारा जो है टाउ वन पर भी रहा होगा और जीवन जो है आपका टाउ टू पर भी रहा होगा, सही बात है कि नहीं, एंड इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे और आप क्या कर देना जी टू को ले लेना, है ना, इसको मैं समीकरण नंबर इसको पूरे को एक बोल रहा हूं, याद रखना पूरे क्या बोल रहा हूं मैं, इस पूरे को एक नंबर का मेरा काम बोल रहा हूं, दूसरा जो है मेरा और मान लेता हूं लेट, इसी प्रकार से है ना, और मान लिया लेट जी टू एक साथ बोलता है, उससे अच्छा मैं अलग अलग बोल रहा हूं ताकि मेरे को इंटरसेक्शन करने में मेरे को सुविधा हो और अच्छा लगे करके, तो जी टू अगर मेंबर है किसका टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू का, इसका अर्थ ये होने वाला है ये जो जी टू बेचारा है वो जो है इसके उभयनिष्ठ से पैदा हुआ है, टाउ वन के अंदर भी रहा होगा क्योंकि आपने इंटरसेक्शन में निकाला है, और ये जी टू जो है टाउ टू के अंदर भी रहा होगा, बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर, तो अब क्या किया जाए, मैं इसको इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया दो कह दिया, अब इन दोनों को क्या कर दे हम लोग, मान लो इंटरसेक्शन कर भी दूं, इस पक्ष को आपस में इंटरसेक्शन करके देखता हूं, जीवन इंटरसेक्शन जी टू करके, है ना, या फिर अपन ऐसे कहेंगे कि मैं इंटरसेक्शन करूंगा यहां पर जीवन इंटरसेक्शन जी टू, है ना, एंड करके लिख देते हैं हम लोग, ये बच्चों देखिए जीवन जो है कहां पर है टाउ वन पर है, और जी टू कहां पर है वह जो है क्या है टाउ वन पर है, ओके, तो इन सबको अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, है ना, इंटरसेक्शन यहां यहां और उधर से भी इंटरसेक्शन कर दो, सारे गुण आ जाएंगे एक साथ, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या बोलूंगा मैं, इक्वेशन नंबर आपका वन एंड टू करके, एक बार लिख देते हैं फ्रॉम वन एंड टू, इक्वेशन तो नहीं है कंडीशन है, है ना, कंडीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इससे ये स्पष्ट तो आप लोग को हो रहा होगा, इस साइड को मैं पहले समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा कि मैं इनका इंटरसेक्शन के तौर पर करूं, ध्यान से देखना, तो मैं बोलूंगा कि जीवन का इंटरसेक्शन जी टू से हो जाएगा और बिलोंग करेंगे दोनों मिलके कहां पर टाउ वन, राइट, टाउ वन पर भी जाएगा ये, ठीक है, और कॉमा मैं क्या करने वाला हूं यहां पकड़ूंगा, तो ये हो जाएगा आपका जीवन इंटरसेक्शन जी टू, ये कहां पर जाने वाला है टाउ टू पर भी जाने वाला है, अब ये दोनों मिलके क्या देने वाले हैं, दोनों मिलके ये देने वाले हैं बच्चों कि ये जो है इसके पास भी है और इसके पास भी है, इन दोनों पक्षों को फिर से आप इंटरसेक्शन जैसा भी लिख सकते हो, है ना, तो यही चीज टाउ वन के पास भी और यही चीज टाउ टू के पास भी, अर्थात ये दोनों चीजें जो है जो जीवन इंटरसेक्शन जी टू कहा आप लोगों ने, ये दोनों मिलके कहां पर जाएगा टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर भी जाएगा, अब इसी को मैं क्या करूंगा, अब एक साथ जो है संघेर के मिझार के इकट्ठा करके रिपोर्ट के लिखूंगा इसको, और क्या लिखा जाएगा, 10 मेरे पास क्या था G1 और G2 दोनों जो है मेंबर थे किन का, वो मेंबर था अलग अलग, देखो अलग अलग क्या था टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर, उस साइड को भी लिखना भूल, अभी लिखे थोड़े थे तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो साइड छूट रहा था मेरा,
वो साइड छूटा हुआ था बच्चों, ध्यान से देख लो। तो दो अलग अलग सेट थे और ये क्या इम्प्राइज करके दिया है, हो? ये आपको क्या इम्प्राइज करके दिया कि दो अलग अलग सेट थे, एक जीवन सेट था इसके पास और एक जीटू सेट था, और दोनों का इंटरसेक्शन भी कहां पर आया, इंटरसेक्शन भी इसके टाउन इंटरसेक्शन टाउ टू पर आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी का दूसरा नंबर का कंडीशन। बात क्लियर है? ऐसे ही प्रूव करना है, और पुस्तकों में थोड़ा बहुत शब्दों को हेर फेर कर देने से चीजें नहीं बदल जाएंगे बच्चों, है ना। लिखने का तरीका उसका थोड़ा अलग हो सकता है, तो हम ज्यादा सिंपल और ज्यादा अच्छा करेंगे तो ज्यादा आपको मजा आएगा सीखने में। तो क्या मैंने आपको गलत सिखाया? मैंने माना एक सेट है जो कि इस प्रकार से आएगा, जीवन पर भी जाएगा, जीवन जो है टाउ वन पर भी होगा, टाउ टू पर भी होगा, जी टू को मानूंगा, मान लो, क्योंकि मानना पड़ता है, जिस बिचारे को टोपोलॉजी कहना होता है उसके अंदर दो सेट लेना होता है। तो एक बार जीवन को उठाया, एक बार मैंने जी टू को उठाया, और ये जीवन को उठाया मतलब टाउ वन के पास भी रहा होगा और टाउ टू भी रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपने इसको इंटरसेक्शन से उठाया था। इस वाले में भी वही किया, जी टू जो है टाउ वन से भी आएगा और जी टू टाउ टू से भी आएगा, और मैं इस राइट हैंड साइड में मेरे इस इनइक्वालिटी तो नहीं बोलूंगा बच्चों, कंडीशन बोलूंगा। तो इस कंडीशन में मैंने देखा फ्रॉम वन एंड टू वी ऑब्जर्व दैट, मैंने क्या ऑब्जर्व कर लिया बच्चों कि ये जीवन और यहां पर ये गया है टाउ वन पर, यहां पर जी टू गया है टाउ वन पर। तो क्या मैं ऐसा कह दूं दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर जाएगा, टाउ वन पर? ये परिभाषा किसका होता है, बिकॉज टाउ वन इज टोपोलॉजी, सो टू सेट जी वन एंड जी टू का इंटरसेक्शन कहां पर जाएगा, टाउ वन पर जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, बोलेंगे फ्रॉम वन एंड टू एंड बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। बच्चों समझ आया ना, डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ टाउ वन टाउ टू बोलेंगे, टाउ वन और टाउ टू क्या थे, टोपोलॉजी थे, बाय डेफिनेशन ऑफ, पुस्तक में ऐसा लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ वन एंड टाउ टू, इट मींस दैट टाउ वन टोपोलॉजी था। तो दो अलग अलग सेट को जब रखता है तो उनका इंटरसेक्शन को भी रखता है, टाउ टू टोपोलॉजी था तो दो अलग अलग सेट को रखेगा तो उनके इंटरसेक्शन को भी रखेगा। अब इन्हीं को मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया, तो मजा आया आपको देख के, समझ आ गया? कब आएगा बार बार, जब रिविजन करेंगे, जब जब भूलेंगे बेटा। आपके सीनियर लोग के पास ये ऑप्शन नहीं था, मैं वीडियो शूट नहीं किया कर रहा था, आप लोग को अब इसको बार बार देख के याद करने का मौका मिलेगा और आप कभी नहीं भूलने वाले, आप जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे टोपोलॉजी में। कब तक? जब तक अभ्यास करते रहेंगे आपको मजा आता रहेगा, तब तक आपको अच्छा लगता रहेगा, आप वहां पर क्वेश्चन को सहजता से बना पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब यही जो है चाल चरण किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, जो है नंबर थ्री जो कि यूनियन के लिए होता है, इस पर हम काम करने वाले हैं बच्चों। फिर से क्या कहा दिया जाए, सेम टू सेम ऐसा लिखते हुए चले जाओ, क्या कहूं मैं, फिर से बोलूंगा बच्चों, लेट मैं बोलूंगा जीवन और ये बिलोंग करता है कहां पर, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर, क्योंकि इसी को तो एक कलेक्शन के रूप में लेकर चल रहे हो जिस बिचारे को टोपोलॉजी दिखाना है। अब ऐसा है, इसका अर्थ ये हो गया कि जीवन तो अवश्य किसका हिस्सा रहेगा, टाउ वन का भी रहेगा और जीवन जो है टाउ टू का भी रहेगा, क्योंकि ये जो है इनके इंटरसेक्शन पे आया, अर्थात उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों के पास है। समीकरण नंबर क्या बोल देंगे इसको हम लोग, या फिर कंडीशन नंबर तीन बोलेंगे, समीकरण तो नहीं बोलते लेकिन आदत सी हो गई हम लोग को ऐसा कहने की, ठीक है। एंड करके बच्चों फिर हमने लेट कर लिया, वो क्या है, वो हमने मान लिया कि जी टू भी है, वो आपका एक सेट है जो कि इसके इस प्रकार से जो कलेक्शन हम कल्पना कर रहे हैं उसके अंदर का हिस्सा है। इट मींस दैट जी टू इज आल्सो मेंबर ऑफ क्या है, टाउ वन, एंड आप जी टू इज आल्सो मेंबर ऑफ क्या बोलेंगे, टाउ टू। अब यहां पर ऐसा लिख देते, सिंस ऐसा करके लिखते, क्या लिखते, देखो मैं इस बात को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, या फिर क्या बोलता मैं, फ्रॉम ऐसा लिखता, फ्रॉम आपका ये टू और थ्री और ये कहा, सॉरी थ्री और ये फोर करके, है ना, एंड बाय डिफिनेशन ऑफ टाउ वन एंड टाउ टू, ऐसा बोलता तो भी आता सेम। या फिर मैं ऐसा लिखता यहां पर, क्या लिखता, सिंस, क्या सिंस भैया, जो माने उसको सिंस करके लिखेंगे आप लोग। सिंस में क्या माना है आप लोगों ने, टाउ वन एंड टाउ टू दो क्या है, टोपोलॉजी है। सिंस टाउ वन एंड टाउ टू है ना आर टोपोलॉजी, ये क्या है, दोनों दोनों क्या है, ये टोपोलॉजी ऑन एक्स है, तो टोपोलॉजी का तीसरा गुण को तो रखेगा, है ना। कंडीशन नंबर तीसरा क्या होता है, ये जो है अगर जीवन सेट कहा था तो जीवन, और यहीं पे बगल में इसको एक बार और हाइलाइट कर देना, फ्रॉम करके आपके हाथ से उठा रहा है, बोल देना तीन व चार से उठा रहे हैं सर करके, ये दद्दा थ्री एंड फोर व करके लिख दिया था मैं, क्योंकि दिन भर में जो है इतने सारे क्लास लेते हैं उसमें जो है हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, तो ऐसा गड़बड़ कर देता हूं कभी कभी। पिछले वर्ष तो मैं हिंदी में बहुत सारा कभी कभी जो है लिखते लिखते लिख देता था, समीकरण एक व दो से ऐसे बोल बैठता था और लिख भी देता था, है ना। तो फ्रॉम फ्रॉम
आपका क्या है, टू और थ्री समीकरण तो नहीं कहा जाएगा, कंडीशन है हमारा, और ये इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखा, ब्रैकेट में लिखा, ताकि समझ आए करके, नहीं लिखेंगे तो भी समझ आना चाहिए था कहां से उठाया जा रहा करके। तो प्यारे बच्चों, बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ वन मैं बोलूंगा ना, क्या बोलूंगा कि जी वन और जी टू दो अलग अलग सेट हैं, तो क्योंकि टोपोलॉजी है कौन टाउ वन, तो दोनों का यूनियन को कौन रखेगा, वो टाउ वन रखेगा, क्योंकि टोपोलॉजी का परिभाषा है तीसरे नंबर का, टोपोलॉजी कौन है टाउ वन है, इसलिए ये जो है दो चीजों का यूनियन को रखता है, दो चीजों का इंटरसेक्शन को भी रखता है, तो दो अलग अलग सेट का यूनियन को रखा इसने। फिर बच्चों हमने कहा कि जी वन और जी टू का फिर यूनियन करेंगे वो किसके अंदर होगा, इसके लिए देखेंगे तो वो टाउ टू पर भी होगा, कहां पर होगा टाउ टू पर भी होगा। अब इन बिचारे को जो है ये खुद कहना चाहता है, मैं इसके पास भी और मैं इसके पास भी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये जो है जीवन और ये जो है जीवन यूनियन में जी टू, ये दोनों मिलके कहां पर होगा, इंटरसेक्शन पर भी होगा, है ना, दोनों पर क्या होगा टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर भी होगा। इंटरसेक्शन तो करना ही है बच्चों मेरे, वही चीजें हैं यूनियन पे, इसको और इसको क्या करने वाले हैं, ये वही चीज है, एक चीज मान के चलो ना, ये पूरा एक चीज है इसके पास भी और वही चीज है इसके पास भी, अर्थात उनके उभयनिष्ठ पर इंटरसेक्शन पर भी वही चीजें होंगी, कह रहा हूं, क्या बातें समझ आई। ओके तो ये कौन सा नंबर कंडीशन है एक बार, लेकिन जब इसको लिख लेते हैं तो आप क्या करेंगे, 10 करके क्लियर करेंगे। आपने कहा था कि जीवन और जी टू क्या है सर, दो आपके मेंबर है किसका, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू का, तो इनका यूनियन भी क्या आ गया, इंप्लाइज दैट दो अलग अलग सेटों का यूनियन भी कहां पर चला गया बच्चों, वो चला गया टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर। तो ये कौन सा नंबर का गुण हो गया आपका, तीसरा नंबर का गुण को भी सेटिस्फाई कर लिया है ना, और बोल सकते हो सिमिलरली फॉर आर्बिटरी यूनियन भी ये सेटिस्फाई करेगा, फॉर एनी कोई भी यूनियन करेंगे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, फॉर सिमिलरली जी लैम्डा अगर आप लेते हैं, क्या लेंगे बच्चों, है ना, सिमिलरली करके आप यहां पर आगे लिख सकते हो, सिमिलरली क्या बोलेंगे, जी लैम्डा अगर बिलोंग करता है कहां पर, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर, सो दिस इंप्लाइज दैट बोलेंगे यूनियन ऑफ जी लैम्डा, आप कितना भी ले लो सर फर्क नहीं पड़ता इसको, ये सारे मिलके कहां पर जाने वाले हैं बच्चों, ये सारे मिलकर भी टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू पर जाएगा, आर्बिट्री कुछ भी आप उठा लो करके। सो यहां पर बोलेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी दिस इज क्लियर, क्या क्लियर हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज ऑलवेज टोपोलॉजी, इंटरसेक्शन जब दो टोपोलॉजी का होता है हमेशा क्या होते हैं टोपोलॉजी होते हैं, परंतु इसका यूनियन टोपोलॉजी हो जरूरी नहीं है, कुछ कुछ हो भी सकते हैं, कुछ कुछ नहीं भी, सदैव नहीं होता ऐसा कह रहे हैं, नेसेसरी का मतलब वही है, सदैव हो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है, मैं इधर ये बच्चों ऐसी बोलता है मैं, ओके ओ ना भूमिका, वो मेरा साइन है, वहीं से मैं कट करता हूं, याद रखना, जब मैं चलिए बोलता हूं ना तो मेरे को क्या करना पड़ता है, जैसे मैं उसको कट करूंगा तो वो साइन रहता है चलिए कहने पर, फट से वहां से कट करते बनता है, और नहीं करूंगा सुनना पड़ता है कहां पर क्या बोला था करके, तो वहां पर जब शुरू होता है और जहां खत्म होता है वहां पर चलिए या ठीक है उसको मैं कट करता हूं उसको, फिर मेरे को आसान होता है, ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने मिलकर क्या दिखाया कि इंटरसेक्शन करने से टोपोलॉजी का हमेशा टोपोलॉजी जो है बनना तय है। अब इसका उल्टा दूसरा नंबर का पार्ट, इसके लिए क्या करेंगे आप एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, है ना, अब क्या लिख सकते हो, वी हैव टू शो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग, नाउ ये दूसरा पार्ट है हमारा, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करने वाले बच्चों, वी हैव टू शो दैट, हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसी को लिख दो, वी हैव टू शो दैट यूनियन ऑफ टू